हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। देखिए, इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज की एनुअल रिपोर्ट 5 है या दूसरी जो रिपोर्ट्स है, उन्होंने हाईलाइट किया है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो एक तरीके से इनएविटेबल रियलिटी है। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी एक तरीके से कॉज हो रहा है। अब जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसकी वजह से क्या है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। अब ये जो अर्थ का टेम्परेचर है, ये जो इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से कई सारे चेंजेस आ रहे हैं एनवायरमेंट में और इकोसिस्टम में। कई सारी नई स्पीसीज आ रही हैं या फिर कई सारी इन्वेसिव स्पीसीज डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स की जो है वो डेवलप हो रही है, और इस वजह से जो इकोसिस्टम है या जो इकोलॉजी है वो डैमेज हो रहा है। में ये रिसर्च आई है और रिसर्च ने रिफ्लेक्ट किया है कि जो इन्वेसिव इंसेक्ट्स हैं ये ग्रो कर रहे हैं कश्मीर वैली में, और इस वजह से जो उसकी इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा इफेक्ट होगी, क्योंकि जो इसकी इकोनॉमी है वो डिपेंडेंट है हॉर्टिकल्चर, या फिर आप कह सकते हैं इसको कि जो फ्रूट्स हैं या जो सैफरन है इसका प्रोड्यूस किया जाता है और अलग अलग जो स्टेट्स हैं या इंटरनेशनल मार्केट में भेजा जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो इन्वेसिव इंसेक्ट है ये किस तरीके से जो कश्मीर की इकोनॉमी है उसको अफेक्ट कर सकता है। सो दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं मेंस का। क्वेश्चन है कि क्लाइमेट चेंज हैज पुट मेनी चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। सजेस्ट स्टेप्स टुवर्ड्स क्लाइमेट स्ट्रेस रिजिलिएंट एग्रीकल्चर। देखिए, जो क्लाइमेट चेंज है इसकी वजह से काफी सारे चैलेंजेस आए हैं एग्रीकल्चर के सामने। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि इंडियन एग्रीकल्चर की हम बात करें तो आपको कोई भी क्रॉप ग्रो करनी है, कोई भी क्रॉप ग्रो करनी है तो उसके लिए जो शोविंग टाइम है, हार्वेस्टिंग टाइम है, ये फिक्स्ड होता है कि किस टाइम पे आपको शोविंग करनी है और किस समय हार्वेस्टिंग करनी है। जब आप बीज डालते हो तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि रेनफॉल ना हो, तो जैसे ही शोविंग हुई और तुरंत रेनफॉल हुई तो वो भी सही नहीं है। या फिर जब भी आपने शोविंग किया उसे कुछ टाइम पीरियड बाद आपको वाटर की जरूरत होती है, जो फार्मर्स हैं उनको वाटर की जरूरत होती है, तो क्या है कि रेनफॉल नहीं हो रही बिल्कुल, आपका जो ड्राई स्पेल है वो काफी कंटिन्यू हो रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी वो पूरी तरीके से रिड्यूस हो रही है। दूसरी चीज क्या देखी जा रही है कि मान लीजिए स्टैंडिंग क्रॉप है, अब उसमें क्या है कि तुरंत जो है हेलस्ट्रॉम हो रहा है या फिर हैवी रेनफॉल हो गई, और इस वजह से क्या हो रहा है कि जो क्रॉप है वो डैमेज हो रही है। तो ये सारे जो चीजें हैं हमें इशारा कर रही हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से इफेक्ट हो रहा है। नए नए जो पेस्ट हैं वो डेवलप हो रहे हैं, नए नए जो इंसेक्ट हैं वो डेवलप हो रहे हैं, और नए नए जो डिजीजेस हैं वो आ रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उस वजह से। तो ये सारे जो नए नए चैलेंजेस प्रेजेंट कर रहे हैं एग्रीकल्चर के सामने, जिसको आपको हाईलाइट करनी है। दूसरा, जो स्टेप सजेस्ट करने हैं वो कई लेवल पे स्टेप आपको सजेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट लेवल पे आप कह सकते हैं कि पॉलिसी पे जो है कई सारी जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट लेकर आ सकती है रिलेटिंग टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ जो है एग्रीकल्चर। फॉर एग्जाम्पल, आप बात कर सकते हैं जीएम क्रॉप्स के बारे में। सिमिलरली आप कह सकते हो कि फार्मर लेवल पे क्या किया जा सकता है, जो कि एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज हैं उनको डेवलप करके फार्मर्स को एक तरीके से अवेयर किया जाए, और फार्मर्स भी हैं जो है कई सारी जैसे फार्म प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, जैसे मल्टीपल क्रॉपिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल लेवल पे भी आप सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं, इरिगेशन और ये सारी चीज़ों की अच्छी फैसिलिटी, अच्छी क्वालिटी की सीड है, पेस्टिसाइड है या फर्टिलाइजर है, इन सारी चीज़ों को आपको आंसर में इंक्लूड करना। सो आप जो अपना आंसर मेरे फेसबुक पेज में भी सेंड कर सकते हैं, माई आई डी इज सौरभ पांडे 009। हमारे पेनड्राइव कोर्सेस अवेलेबल हैं इन सारे एग्जाम्स के लिए, एसएससी है, बैंक है, यूपीएससी है, यूपीएससी ऑप्शनल है, डिफेंस एग्जाम कोर्सेस है और स्टेट पीएससी कोर्सेस है। आप studyiq.com वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर इन नंबर्स पे कॉल करके इन कोर्सेस के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए नए तरीके का जो इंसेक्ट है, इन्वेसिव इंसेक्ट है, जिसे आप कह सकते हो ब्राउन पीच एफिड। एफिड का मतलब एक तरीके से आप मानिए ये इंसेक्ट है जो कि जो फ्रूट है उसके जूस को सक करता है और उसको एज अ फूड यूज करता है। तो ये जो इंसेक्ट है ये किसको अटैक कर रहा है, ये अटैक कर रहा है टेम्परेट फ्रूट ट्रीज को। और अगर आप देखेंगे कश्मीर की जो इकोनॉमी है इन फ्रूट्स पर काफी डिपेंडेंट है। सो अगर ये फ्रूट्स है, अगर ये इफेक्ट होगी, अगर इन फ्रूट्स की एक तरीके से प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होगी, तो अपने आप कश्मीर की जो इकोनॉमी है वो इफेक्ट होगी। और अगर कश्मीर की जो इकोनॉमी इफेक्ट होगी तो वहां पे जितने यूथ हैं उनको ये जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है ये काफी एम्प्लॉयमेंट देती है,
है ना, सो वो भी अफेक्ट होगी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के सामने। कश्मीर में भी बहुत सारे जो फ्रूट्स ग्रो करते हैं, जैसे एप्पल हो गया, पीच हो गया, या पियर्स हो गया, या जो ये एफिड है, या ब्राउन पीच जो एफिड है, ये जो पीच जो क्रॉप है, जो फ्रूट क्रॉप है, इसको अफेक्ट कर रहा है। तो एफिड का क्या है, एफिड का अगर हम डेफिनेशन देखें, ये क्या होते हैं, स्मॉल इंसेक्ट होते हैं सच एज ग्रीन फ्लाई, और ये क्या करते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, ये प्लांट्स होते हैं, उनके जो जूस है, ठीक है, उसको सक करते हैं और उसको किस तरह यूज कर रहे हैं, एज अ फूड। देखिए ये जो एफिड्स या जो इंसेक्ट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अटैक करते हैं किस पर, जो प्लांट के टिश्यूज होते हैं, जैसे आपने सुना होगा जाइलम एंड फ्लोएम। अब ये दोनों ही जो टिश्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड जो प्लांट्स में, तो ये इन पर अटैक करते हैं, और अगर इन पर अटैक करेंगे तो पूरे प्लांट में जो है वाटर की सप्लाई रुक जाएगी, फूड की सप्लाई रुक जाएगी, और इसकी वजह से जो प्लांट है वो एक तरीके से डाई कर जाएगा। अगर फ्रूट्स हैं तो वो जो फ्रूट है उसका ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि फ्रूट के ग्रोथ के लिए या प्लांट की ग्रोथ के लिए आपको क्या चाहिए, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फूड या न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी, वाटर की जरूरत होगी, और उसके लिए आपके पास जो ये दो टिश्यूज हैं जाइलम और फ्लोएम, इसको ये जो इंसेक्ट्स हैं ये एक तरीके से खत्म कर देते हैं, इन पर ये अटैक कर देते हैं। देखिए जो ब्राउन पीच एफिड है, ये मेनली पीच प्लांट और जो आलमंड ट्रीज है इन पर अटैक करता है। ये कहां मेनली प्रेजेंट है, मेडिटेरेनियन रीजन पे, जो मेडिटेरेनियन रीजन है जिसके आसपास जो कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल इटली, स्पेन, पोर्टुगल, फ्रांस, ये जो कंट्रीज हैं, यहां पर ये काफी ज्यादा ये एफिड जो है, ये इंसेक्ट प्रेजेंट था। अब ये क्या कर रहा है, इन पीच जो ये पीच है इन पर अटैक करता है और इनको इस तरह कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सो इन सारे ऐसे फ्रूट्स को तो आप एक तरीके से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो इंटरनल डोमेस्टिक मार्केट में या फिर इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन अगर ये इस तरह डैमेज हो गया, फ्रूट का ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, तो ये एक तरीके से जो पूरे की पूरी जो क्रॉप है वो डैमेज हो जाती है। सिमिलरली जैसे जो आलमंड है वो भी अटैक किया जाता है इस इंसेक्ट के द्वारा, और ये इंसेक्ट जो है ये आलमंड को भी खराब करता है, ये आलमंड की ग्रोथ प्रोडक्टिविटी को भी एक तरीके से खराब करता है, जो फ्रूट्स हैं वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाते। इंडिया में जो एफिड है, ये जो इंसेक्ट है, ये पहली बार 1970s में रिकॉर्ड किया गया था हिमाचल प्रदेश और पंजाब में, लेकिन 40 इयर्स के बाद जो है ये फिर से कश्मीर वैली में है, विजिबल है, तो इसलिए बहुत मैटर ऑफ कंसर्न है। ये जो एफिड है, ये जो इंसेक्ट है, मेनली इन मंथ्स में दिखता है, अप्रैल में, मई में, सितंबर में और अक्टूबर में, और ये ग्रो किस में करता है, इस टेम्परेचर में, 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक। इवन जो दूसरा इंसेक्ट है, ब्राउन एंड व्हाइट पैच्ड इंसेक्ट है, वो इवन 3 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं। तो आप खुद सोचिए कि जो फ्रूट क्रॉप्स हैं उनके एक तरीके से हार्वेस्टिंग के लिए टेम्परेचर जरूरत होती है, और उस टाइम पे ये जो इंसेक्ट है उन फ्रूट्स पर अटैक करते हैं और फ्रूट्स को पूरी तरीके से डैमेज कर देते हैं, और ये मेनली पीच ट्रीज को अफेक्ट कर रहे हैं। और होता क्या है कि ये जो इंसेक्ट्स हैं, इनके जो ये निम्स हैं, मतलब ये जो बेबी एफिड्स हैं, ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, हार्डली 1 मंथ के अंदर ये ग्रो कर जाते हैं, तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत तेजी से ग्रो करती है। अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो पूरे एरिया के जो भी ट्रीज हैं, जो फ्रूट्स हैं, उनको ये अफेक्ट कर देंगे। देखिए बहुत सारे जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कई सारे सजेशंस दिए, फॉर एग्जांपल कई सारे नेचुरल केमिकल्स को यूज किया जा सकता है, इंक्लूडिंग नीम प्लांट या लेवेंडर ऑयल। ठीक, देखिए लेवेंडर ऑयल क्या है, एक तरीके से एक फ्लावर है जिससे कि ऑयल अटेन किया जाता है, और इसके अंदर जो है आप ये मानिए कि जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं। देखिए साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि जो ब्लड रेड एंट जो होती है, निजात पाई जा सकती है, क्योंकि ये जो एंट होती है ये क्या करती है, इन एफिड्स पर डिपेंडेंट रहती है, मतलब ये जो एंट है इन एफिड्स या इंसेक्ट्स को किल कर देती है या फिर इनको यूज करती है एज अ फूड। सिमिलरली दूसरे भी पैरासाइट्स होते हैं जो कि इन एफिड्स पर डिपेंडेंट होते हैं, इनको एज अ फूड यूज कर रहे हैं, तो उन पैरासाइट्स को भी यूज कर सकते हैं, इनको हम कह सकते हैं बायो पेस्टिसाइड्स। तो इन बायो पेस्टिसाइड्स को आप यूज करके जो एफिड की पॉपुलेशन है इसको कंट्रोल कर सकते हो। ये देखिए ये लेवेंडर ऑयल है और ये है ब्लड रेड एंट। देखिए अगर ये जो इन्फेस्टेशन है इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो क्या होगा कि इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ग्रो करेगी और इस वजह से जो कश्मीर की इकोनॉमी काफी ज्यादा इफेक्ट हो सकती है। कश्मीर की इकोनॉमी मेनली हॉर्टिकल्चर में डिपेंडेंट है। आप कश्मीर में एक तरीके से कई इंडस्ट्रीज सेट नहीं कर सकते, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वहां हम आयरन स्टील इंडस्ट्री या ऐसा कुछ लगाएं,
वहां जो कश्मीर है वहां पे जो इकोनॉमी है वहां पे आप सैफरन को ग्रो कर सकते हैं, फ्रूट्स है उनको ग्रो कर सकते हैं और वहां की जो यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो अगर हमने ये एफिड्स को कंट्रोल नहीं किया, इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया, तो जो है हॉर्टिकल्चर जो है या पीच प्लांट है या आप मानिए आलमंड ऑयल जो ट्रीज हैं वो अफेक्ट होंगे, फ्रूट्स अफेक्ट होंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होगी और अल्टीमेटली जो कश्मीर की इकोनॉमी है वो अफेक्ट होगी। कहा जाता है कि जो पेस्ट है मेनली कैसे आया, ये मेनली दूसरी जो कंट्रीज है उनसे जो प्लांट्स इंपोर्ट किए हैं उनके थ्रू आया। दूसरे कोई ऐसे प्लांट है जो कि इन्फेक्टेड हैं इन एफिड्स के द्वारा या फिर इंसेक्ट्स के द्वारा, उनको दूसरे स्टेट्स में ना भेजा जाए जिससे कि दूसरे स्टेट्स में ये जो इन्वेसिव एफिड्स हैं या इंसेक्ट हैं वो स्प्रेड ना हो। सो इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि जो एफिड है इन्वेसिव एफिड है वो किस तरीके से क्रॉप को डैमेज कर सकते हैं और किस तरीके से जो कश्मीर की इकोनॉमी है उसको अफेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।